जांजगीर चांपा जिले के टेंपल सिटी शिवरे नारायण के रपटा चौक में चंद्रा क्लिनिक के नाम से झोलाछाप अस्पताल में बीती रात में महिला के हुए हत्याकांड का बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। शिवरीनारायण टीआई अशोक द्विवेदी ने अपनी टीम के साथ चंद घंटों में ही आरोपी को पकड़ लिया। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। पूरे शिवरीनारायण में इस तरह के फर्जी अस्पताल फल फूल रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण अवैध तरीके से है चंद्रा क्लिनिक में देखने को मिल रहा है, जिसका खामियाजा एक मासूम महिला नर्स को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। महिला की जान किसी और को नहीं बल्कि जो खुद चंद्रा क्लिनिक का झोला छाप डॉक्टर था उसी ने गला दबा कर ले ली। सुबह जब महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शिवनारायण पुलिस को सूचना मिलते ही पूरी टीम जांच में जुट गई और कुछ ही घंटों में शिवनारायण पुलिस टीम ने हत्या के आरोपी चंद्रा क्लिनिक के संचालक डॉक्टर चंद्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। वहीं पूरे मामले का खुलासा करते हुए SDOP ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर दोनों के बीच गहमागहमी हुई, उसी दौरान महिला का गला घोट कर डॉक्टर चंद्रा ने हत्या करना स्वीकार किया है। नाम के एक व्यक्ति ने थाना शिवरीनारायण में एक मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया, जिसमें बताया कि इसकी चाची कन्या कुमारी चौहान 40 वर्ष का है, ये चंद्रा क्लिनिक में पिछले 4-5 सालों से काम कर रही थी और उसकी क्लिनिक के अंदर में इसकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना के आधार पे यहाँ पर दर्ज किया गया मर्ग इंटीमेशन। उसके बाद में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। आज FSL की टीम आई और मौके पर निरीक्षण किया गया। मौके पर निरीक्षण में ये पाया गया कि डेड बॉडी में गले में चोट के निशान पाए गए, घटना स्थल में संघर्ष के निशान पाए गए और परिजनों को पूछताछ किया गया, गवाहों को पूछताछ की गई। इस आधार पर पाया गया है कि रितिका को जितेंद्र चंद्रा, जो चंद्रा क्लिनिक का संचालक है, वह काम से निकालने को लेकर कल कहा सुनी हुई थी और इसी बात को लेकर गला घोट कर हत्या किया है। और इस मामले में पुलिस जितेंद्र चंद्रा के खिलाफ में 302 IPC का केस दर्ज किया है और विवेचना करके साक्ष्य एकत्रित करके जितेंद्र चंद्रा को गिरफ्तार किया गया। सर BMS है, चूंकि ये MBBS डॉक्टर नहीं है, ये BMS है और लोकल रूप से यहाँ पर देख रेख करते हैं। इसकी जानकारी अभी पुलिस को है मिल रही है कि ये अवैध रूप से कर रहे थे कि नहीं कर रही थी, ये अलग जाँच का विषय है और स्वास्थ्य विभाग इसको हम लोग सूचना देंगे और जो भी लीगल कार्रवाई वो करेंगे। खासतौर पर पुलिस सीधी कार्रवाई नहीं कर पाएगी, इसमें प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी और आगे जो भी टीम बनेगी या वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। क्लिनिक के बारे में पुलिस कोई जांच नहीं की है, न तो कोई रिटर्न में शिकायत। अभी फिलहाल ये हत्या का मामला आने के बाद में इसमें जितेंद्र चंद्रा को हत्या के मामले में पूछताछ और आगे कार्रवाई की जाएगी।